ये गाड़ी जिसके अंदर अपन बैठे हैं, ये गाड़ी आपको लग्जरी कार का भी मज़ा देगी, 4x4 का भी मज़ा देगी, एंड साइड बाय साइड एक ऐसी कार आपको नज़र आ रही होगी जो ऑफ रोडिंग के साथ साथ आपका लगेज भी ट्रांसफ़र कर देगी। मैं बात कर रहा हूँ पिकअप ट्रक की, एंड पिकअप ट्रक सेगमेंट इंडिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अभी तक, बट नाउडेज़ ये ग्रेजुअली धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, लोग इसके बारे में जान रहे हैं कितने ये यूज़फुल सेगमेंट है। एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर दो ही मॉडल अवेलेबल है पिकअप ट्रक्स के, एक इसुजु वी क्रॉस एंड दिस सेकेंड वन इज़ टोयोटा हाइलक्स। एंड आज की वीडियो कम्प्लीटली टोयोटा हाइलक्स के बारे में होने वाली है। टोयोटा हाइलक्स ग्लोबल प्रोडक्ट है, ग्लोबली इन मार्केट में आप काफ़ी सालों से इसको देखते हुए आए हैं, बट इंडियन मार्केट में ये एक करीब 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 एक साल हुआ होगा इंडियन मार्केट में हिट किए हुए। और कमाल की बात ये है, जो हाइलक्स ट्रक इंडिया के अंदर मिल रहा है वही आपको ग्लोबली मिलेगा, तो मतलब जो इंडियन जो हाइलक्स है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड वाली ही मिलने वाली है, इसके अंदर यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है। अब बात करते हैं इसके वेरियंट्स की, इसके अंदर तीन वेरियंट्स आ जाते हैं बेसिकली, आपको एक स्टैंडर्ड, फिर एक HT। तो स्टैंडर्ड के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है, HT के अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। और आज आपकी स्क्रीन पर जो गाड़ी है ये HT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। 30 लाख से लेके 37 लाख इसका शोरूम प्राइस रहने वाला है, और इसके अंदर आपको 4x4 की कैपेसिटी मिल जाती है, डिफरेंशियल लॉक और ऑटोमेटिक ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ। और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है, फर्स्ट इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल गो to interior and at last you will find all technical details of this car on your screen. तो start करते हैं इसके front fascia से। This premium SUV या this beast comes with macho look, Toyota का बड़ा सा logo मिल जाएगा। इसके अंदर आपको front and rear parking sensor मिल जाते हैं, लेकिन 360 degree camera नहीं मिलता है, आपको केवल reverse parking camera ही देखने को मिलेगा। Apart from this, lighting की बात कर ले तो यहाँ पर आपको पूरी LED के अंदर headlight और fog lamp दिखेंगे। फ्रंट में पार्किंग सेंसर, क्रोम का टच यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है, तो ये क्रोम आपको दूर से ही अलग से दिखेगा। और जो भाई बोलते हैं कि फॉर्च्यूनर और हाइलक्स फ्रंट से एक जैसी हैं, एज यू कैन सी इट, दिस इज़ हाइलक्स एंड दिस इज़ फॉर्च्यूनर लेजेंडर, तो यहाँ पर लुक वाइज आपको बहुत सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इवन तो बम्पर पर भी पूरा चेंज है। फ्रंट में आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर एंड ग्रिल जो है ये काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी ग्लॉसी ब्लैक के अंदर। और साइड वाइज आपको यहाँ पर नज़र आएंगे इसके 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ टायर, टायर प्रोफाइल रहेगा 265/60R18 का। अभी इसके अंदर हाईवे ट्रेन टायर हैं, आप 80 मतलब ऑल ट्रेन टायर भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा कैपेबल है। ये फुल्ली रग्ड एक SUV है जो ऑफ रोडिंग प्रॉपर तरीके से करेगी और आपको लास्ट तक आपको लेके जाएगी। फ्रंट में इंडिपेंडेंट विशबोन सस्पेंशन नज़र आ जाएगा, रियर में आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन नज़र आएगा। इसके चढ़ने उतरने के लिए यहाँ पर आपको फुटस्टेप कंपनी लगा के दे रही है। बाकी ये डिज़ाइन एलिमेंट डोर का फॉर्च्यूनर या लेजेंडर से आप मिलता जुलता बोल सकते हैं। रीजन बिहाइंड यहाँ पर आपको मिल रहा है क्रोम के अंदर डोर हैंडल, कीलेस एंट्री, यहाँ पर भी आपको लोअर विंडो गार्निशिंग क्रोम के अंदर मिल जाएगी। बात करें ORVM की, सेम वही लेजेंडर से मिलता जुलता मिलेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। और ये 4-door ये गाड़ी दिखेगी 5 seating कैपेसिटी के साथ। और यहाँ पर रियर सस्पेंशन की बात कर ले तो आपको मिलेगा लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, 5 लीफ स्प्रिंग ईच साइड मिलेंगे, मतलब टोटल 10 लीफ्स यहाँ पर मिल जाएगी, कमानी पट्टे बोल सकते हैं, 10 कमानी पट्टे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, 5 इस तरफ 5 उस तरफ। रियर व्हील ड्राइव ये रहने वाली है बट नेचुरल है, और लेडरोन फ्रेम ये SUV है। ये है उसके ऊपर इसका लोडिंग एरिया, डायमेंशन आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, यहाँ पर इसकी 700 kg की पेलोड कैपेसिटी मिल जाएगी। रियर में आपको LED टेल लैंप नज़र आएंगे, इंडिकेटर एंड रिवर्स लैंप आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगा,
हाईलक्स की ब्रांडिंग, टोयोटा की ब्रॉड सी ब्रांडिंग आपको नजर आ जाएगी। पीछे की तरफ यहाँ पर मिल जा रहे हैं चार पार्किंग सेंसर और क्रोम का टच यहाँ पर रियर बम्पर पर दिख जाएगा। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ पर कर सकते हैं एंड कैमरा, सेंटर माउंटेड स्टॉप लैंप, एंड इसको आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा इसका लोडिंग एरिया, बेड लाइनर लगा आ रहा है और इसके एसेसरी के पार्ट में या एसेसरी के तौर पर यहाँ पर आप एक बुल बार भी लगा सकते हैं, प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, एंड इसके ऊपर आप टेंट हाउस भी लगा सकते हैं। ये सब एसेसरी का पार्ट रहेगा, आफ्टर मार्केट भी और टोयोटा से भी लगवा सकते हैं। 80 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, फ्यूल इनलेट आपको लेफ्ट हैंड साइड नज़र आएगा। अब चलते हैं अंदर। हाईलक्स भी अपने लाइक फॉर्च्यूनर आपको 2755 सीसी इंजन के साथ मिलेगी, जो करीब 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देती है, 201 एचपी की पावर दे देगी। डिज़ाइन वाइज इंटीरियर में डोर पैड आपको फॉर्च्यूनर से मिलता जुलता नज़र आएगा, एंड ये वाला पार्ट सॉफ्ट टच के साथ और कलर स्कीम जो है बेसिकली सारा ब्लैक ही है, थोड़ा सा यहाँ पर सिल्वर इंशर्ट नज़र आ जाएगा। डोर हैंडल क्रोम में, चारों विंडो ऑटो वन टच डाउन देखने को मिलेगी, लॉक एंड लॉक और ORVM के कंट्रोल, बोतल होल्डर यहाँ पर मिल जा रहा है। लेदर टच के साथ हाई HT वेरिएंट की आपको सीट देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, और जब आप स्टैंडर्ड वेरिएंट की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको फैब्रिक अपोलिस्ट्री के साथ सारी सीट मिल जाएगी जो मैनुअल एडजस्टेबल रहेगी। गाड़ी के अंदर चढ़ने उतरने के लिए फुट स्टेप एंड ग्रैब हैंडल दिया है दोनों तरफ, ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर साइड, और डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा बिल्कुल फॉर्च्यूनर से मिलता जुलता। फॉर्च्यूनर में यहाँ पे थोड़ा मैरून कलर का टच है, यहाँ पर ऑल ब्लैक दिखेगा। मल्टी फंक्शनल पावर स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, या पावर स्टेयरिंग व्हील की बजाय मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर नज़र आएगा। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ये स्टेयरिंग व्हील रहेगा, एंड स्पीडोमीटर इसका एनालॉग रहेगा, डिजिटल, बीच में एक MID मिल जाएगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लाइक यहाँ पर दरवाज़ा खुला है तो आपको नज़र आ गया ही होगा। तो यहाँ पर मिल जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, एंड राइट हैंड साइड आपको सारे MID के कंट्रोल मिल जाएंगे। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी मिल जा रहा है, तो उसके कंट्रोल आपको स्टीयरिंग व्हील के पीछे राइट हैंड साइड नीचे की तरफ नज़र आएंगे। राइट हैंड साइड ही आपको हेडलाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल, एंड लेफ्ट हैंड साइड इसके वाइपर के कंट्रोल देखने को मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील के पीछे राइट हैंड साइड पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा, पार्किंग सेंसर ऑफ, रीजनरेशन स्विच, फ्यूल लिड ओपनर और हुड ओपनर आपको यहाँ पर नजर आएगा, ABD एक्सीलेटर ब्रेक डेड पेडल यहाँ पर अच्छा खासा मिल रहा है, एंड यहाँ से आप बेसिकली अपने डेली रूटीन के काम कर सकते हैं। बोतल होल्डर यहाँ पर कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। डैशबोर्ड कम्प्लीटली आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी ग्लोव बॉक्स जो है इसके अंदर कूल्ड मिल जाएगा, एंड नीचे का पार्ट जो है लॉकेबल मिलेगा। ड्यूल जोन AC मिल जा रहा है, इसके अंदर ऑटो AC का फंक्शन आ जाता है, एंड ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम रूटीन जैसा हम फॉर्च्यूनर में देखते हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, सेम वैसा का वैसा नज़र आएगा। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ ही आने वाला है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ यहाँ पर मिल जाएगा इसके AC का पैनल, ड्यूल जोन ऑटो AC का फंक्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसके नीचे मिलता है इसके हिल असिस्ट एंड 4x4 वाले जो कंट्रोल है वो सारे, यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिफरेंशियल लॉक अनलॉक करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल जो है आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक USB का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर दिया है, H2 4 हाई 4 लो, एंड ये सारे आपके 4x4 के कंट्रोलिंग यहाँ पर दिख जाएगी। सेंटर कंसोल में यहाँ पर मिल जा रहे दो बॉटल होल्डर, डिज़ाइन वाइज थोड़ा सा आपको ओल्ड लगेगा बट यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सारे फीचर्स मिल जाएंगे एक ऑफ रोड व्हीकल में जो जो होते हैं। ये इसका 8-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर, और एक यहाँ पर बड़ी सी आपको नज़र आएगी आर्म रेस्ट विद सॉफ्ट टच। अंडर द आर्म रेस्ट आपको यू विल फाइंड 1 AC चार्जर यूनिट, एक आपको 100 वाट और AC 220 वोल्ट का एक यहाँ पर पावर प्लग जरूर देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर भी अपनी एसेसरीज वगैरह लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ फोटो डिमिंग IRVM, सनग्लास होल्डर एंड कैबिन लैंप हेलोजन के अंदर दिखेंगे। बाकी यहाँ पर को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिलेगा बेसिक, बाकी इसके अंदर लैंप वगैरह नहीं मिलेगा। वैनिटी ग्रैब हैंडल दोनों तरफ मिल रहे हैं, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं, एंड रियर की तरफ भी आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर मिल जाएगा हेलोजन के अंदर कैबिन लैंप। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाएगी फ्रंट के दोनों पैसेंजर की। 7 एयरबैग्स के साथ आती है, ABS, EBD, हिल असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह ये सारे फंक्शन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं या सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट जो है आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। लेट्स गो टू सेकेंड रो।
इट्स वेरी प्रैक्टिकल और फाइव सीटर है तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको हैंकी पैंकी चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। हाँ, फ्रंट के डोर पैड पर आपको यहाँ पर पेडल लैंप और रिफ्लेक्टर ज़रूर नज़र आ जाता, जो मैंने कंक्लूड नहीं किया था, आप देख सकते हैं उसमें अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर सॉफ्ट टच मिल जाएगा वही, और बाकी सारा पार्ट हार्ड के टच के साथ मिलेगा। छह गिरो में मिल रही है 3 लोगों के बैठने की कैपेसिटी। बीच में आपको आर्म रेस्ट मिल जाएगी विद 2 कप होल्डर एंड 3 हेडरेस्ट हाइट एडजस्ट मिलेंगे। 2 आइसोफिक्स माउंट एसेसरीज आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर, एंड आप थ्रेड की मदद से कम्प्लीटली इस टाइप से फोल्ड कर सकते हैं। एंड सेम वे आपको उस तरफ की भी सीट आप फोल्ड करके, थोड़ा सा स्पेस है उसमें, अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। रियर रो में आपको मिल जाएगा 2 एसी वेंट जिनकी आप केवल यहाँ से कंट्रोलिंग कर सकते हैं, डायरेक्शन स्पीड वगैरह आप कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे। बाकी रियर में यहाँ पर बम्प वगैरह तो देखने को मिलेगा। एंड कैबिन में सेकंड रो में चढ़ना हो तो आप क्रैब हैंडल यहाँ पर भी दिया है, ऊपर की तरफ भी दिया है, इनकी मदद से आप चढ़ सकते हैं। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक सा थाई स्पोर्ट है, पिकअप ट्रक है तो थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी जो है आपको कंफर्ट दे सकती है तो वो आपको ऑफ रोडिंग नहीं दे सकती, और ये गाड़ी कोशिश कर रही है कि ऑफ रोडिंग और कंफर्ट दोनों दे। बाकी हेडरूम वगैरह प्रॉपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसका हुड भी दिखा दो। दिस इज इंजन वे ऑफ टोयोटा हाइलक्स जो 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगा एंड 201 bhp की ये पावर दे देगा। माइलेज की मत पूछे, अंडर द हुड आपको इंसुलेशन वगैरह मिल जाती है, बट इतनी बड़ी गाड़ी में हाइड्रोलिक स्टड थोड़ा मिल जाते तो ज़्यादा कंफर्टेबल था, क्योंकि हुड काफ़ी हैवी यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड टोयोटा का इंजन काफ़ी रिलायबल रहता है, टोयोटा के साथ यही एक अच्छी बात है कि इसके इंजन सालों साल लाखों किलोमीटर चलते हैं, तो रिलायबिलिटी यहीं से बनती है। बाकी आप बताइएगा कैसा रहा टोयोटा के साथ आपका एक्सपीरियंस। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट टोयोटा हाइलक्स। इसके अलावा इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है जो 30 लाख का आता है, जिसको उसके अंदर थोड़े से फीचर्स की कटौती हो जाती है। यहाँ पर आपको लाइक जैसे लेदराइट सीट नहीं मिलेगी, आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा, ऑटो ट्रांसमिशन का ऑप्शन उसके अंदर नहीं मिलता है। बाकी छोटे छोटे फीचर्स उसके अंदर कट जाएंगे, जैसे यहाँ पर ड्यूल टोन केबिन दिख रहा है, वहाँ पर आपको सिंगल टोन में दिखेगा, क्रोम वगैरह नहीं दिखेगा। बाकी आपको यहाँ पर मैनुअली एडजस्टेबल सारे 4x4 के ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड थोड़े से फीचर्स एंड थोड़ा सा लुक वाइज उसके अंदर कटौती आ जाती है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट टोयोटा हाइलक्स ट्रक। आप आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको यदि लगता है वीडियो के अंदर कोई कमी है या इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी या गलत दी गई है तो आप मोटर नॉलेज डॉट इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर आके हमें DM कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। इसी के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक आप 2-व्हीलर चलाते हो हेलमेट का प्रयोग और 4-व्हीलर चलाते हो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूले। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।